बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दाल माश। ये दाल माश डाबा स्टाइल भी है और इसमें देसी टच भी है और ये बहुत मज़ेदार है। और आइए बनाते हैं। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले तेल। तेल मैंने पहले से डाला हुआ है और चूल्हा जला के हल्की आँच पर रखा हुआ है। तेल के साथ साथ हमें चाहिए होंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें मैंने हल्का सा गरम मसाला मिक्स किया हुआ है। मसाले जो जो हमें चाहिए होंगे, उसमें लाल मिर्च, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और ये वो है हल्दी, और ये उसके साथ साथ मेथी है, ये कसूरी मेथी। दाल माश पहले से मैंने बॉईल की हुई है, लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखना है कि ये मैश ना हो जाए, ये साबित रहे। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते। तेल मैंने पहले से चूल्हे पे रखा हुआ था, इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी साबित ज़ीरा। साबित ज़ीरा डाल के ज़्यादा नहीं ब्राउन करना इसमें, ये कुछ कड़वा हो जाएगा। इसके फ़ौरन बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज को सुनहरा करना है, ब्राउन करना है। ये प्याज हल्का ब्राउन हो रहा है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। थोड़ा सा इसे भूनूं। भूनने के बाद इसमें लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। ये दोनों मैंने डाल दिया, मिक्स करेंगे। दाल माश की ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। आप एक दफ़ा खाएंगे तो गोश्त छोड़ देंगे, दाल खाना शुरू कर देंगे। अब ये मसाला भून गया, इसके बाद मैं टमाटर डाल दूँ। आज मैं दाल माश प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। इसमें जो है जल्दी बन जाएगा, मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, भून जाएगा और मैश भी हो जाएगा। ये देखिए, प्याज, टमाटर और मसाला अच्छे से यकजान हो गए, मिक्स हो गए। अब मैं दाल शामिल करूंगी। ये दाल जो पहले से मैंने उबाल के रखी हुई दाल माश। दाल के साथ ही मैं हरी मिर्च जो मैंने काटी है, ये हरी मिर्च डाल दूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी रेसिपी बनाऊं वो बहुत ही आसान हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि 15-20 मिनट की वीडियो देखें। अच्छा है कि शॉर्ट हो और कंप्लीट रेसिपी हो। ये देखिए, पानी इसका बिल्कुल सूख गया, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। स्टेज पे मैं मेथी डालूँगी, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत प्यारी खुशबू आती है और जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये जो धनिया मैंने काटा हुआ है, इसको आधा डालूंगी, आधा बाद में गार्निशिंग के लिए डालूंगी। ये अदरक डाल रही हूँ मैं। अदरक डालने के बाद आँच कम करके और इसके ऊपर मैं ढक्कन वैसे ही रख दूंगी, बंद नहीं करूंगी।
ये दाल बन गई है, इसको मैंने चूल्हे से नीचे उतार दिया, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी सिर्फ तेल का। तेल गरम करने के लिए मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है, इसको फुल गरम करना है फुल, और इसमें जीरा अदरक लहसुन कुछ भी नहीं डालना, बिल्कुल खालिस तेल। ये फुल गरम हो गए, ये कवर मैंने इसलिए किया ताकि तेल के छींटे ना आए। अब इसको मैं लहसुन ऐसे हरे धनिया से गार्निश करूंगी। हल्का सा गरम मसाला खुशबू के लिए डाली मैं। दाल माश की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और जब आप ट्राई करें और आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।